हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अपने अगले वीडियो में दिस सीखेंगे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को सपोर्ट करती हैं और उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अप्लीकेशन एरिया। तो आइए आज का वीडियो आगे हम लोग बढ़ाते हैं। जैसा कि बताया आपको, आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है अलग अलग ऑपरेट होने वाली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानना और उनके एप्लीकेशन एरिया को पहचानना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिर से एक बार डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसा कि हमने यहाँ देख रहे हैं, रिविजिट उप्स, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी डिवाइडिंग लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉलर ऑब्जेक्ट। इसी चीज़ को आप कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे दिया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मॉडल दैट ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन अराउंड डाटा और ऑब्जेक्ट। उसी डेफिनेशन को कुछ और वर्डिक में भी हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने फिर से एक बार इसकी डेफिनेशन के साथ में शुरुआत की है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन के साथ में। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो आज के ज़माने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए। तो विद्यार्थी दोस्तों, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस हुई थी उसका नाम था सिमुला। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सिमुला। सिमुला इज़ अ फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद में कुछ और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जैसे C++, जावा, पाइथन, विजुअल बेसिक डॉट नेट, रूबी, स्काला, PHP। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये ज़रूरी चीज़ है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है लिस्ट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वहाँ पर आपको किसी भी चार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखना है। इस सेमिस्टर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के तौर पे हम लोग पढ़ने वाले C++। तो सबसे पहली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वो थी सिमुला, और बाकी की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हैं वो है जैसा जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, C++, विजुअल बेसिक डॉट नेट, रूबी, स्काला, PHP। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आगे हम लोग देखेंगे अप्लीकेशन एरिया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है, यानी ऐसी प्रोग्रामिंग जहाँ पे क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस को सपोर्ट किया जाता, उन तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो एरिया है वो क्लाइंट सर्वर सिस्टम। अगर आपको कहीं सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर, जैसा आपने देखा है ऑनलाइन एग्जाम में, आप लोग क्लाइंट पे बैठकर अपने अपने पेपरों को सॉल्व करते हैं, जिसका डाटा पूरा स्टोर होता है सर्वर पे, तो सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर आपको अगर बनाना है तो वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसा कि इसके लिए मोस्ट पॉपुलर है PHP। PHP का इस्तेमाल करके हम लोग सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर डेवलप कर सकते। तो पहला एरिया हुआ एप्लीकेशन एरिया, सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर। दूसरा एरिया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस। जब भी हमारे पास में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड या टेबल के फॉर्म में हो, तो उसको स्टोर करने के लिए हम लोग डाटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। तो आज जो डाटाबेस इस्तेमाल होते हैं उनको बोला जाता है ODBMS, ऑब्जेक्ट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो वो डाटाबेस भी आप कैसा आने लगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ODBMS। तीसरा एरिया है रियल टाइम सिस्टम। तो यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा रियल लाइफ में, कि किसी कंपनी में अगर कोई बॉयलर है और उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कोई कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम रखना है, या फिर कोई सी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में हमको अगर कुछ काम करना है, तो वहाँ पे हम लोग कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, ताकि ऑक्सीजन का प्रेशर और उसका फ्लो मेंटेन रहे पेशेंट के हिसाब से। तो ये हो गए रियल टाइम सिस्टम्स। तो इस तरह के कुछ रियल टाइम सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस स्लाइड में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एप्लीकेशन एरियाज हमने देखे, एक बार फिर से देखेंगे। पहला एरिया है उप्स का सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर। अगेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज यूज फॉर डाटाबेस। अगेन उप्स आर यूज फॉर रियल टाइम सिस्टम डिजाइन, ठीक है। अगले स्लाइड में कुछ और एरिया देखेंगे। सबसे पहला एरिया है सिमुलेशन एंड मॉडलिंग। सिमुलेशन आपने देखा है कई वॉर गेम मूवीज हैं, या किसी स्पोर्ट्स का कोई मोबाइल एप्लीकेशन है, तो वो हुआ सिमुलेशन। इस तरह का कुछ सिमुलेशन हो या कोई मॉडलिंग हो, तो ये काम भी हम लोग कहाँ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया,
अगर आपको इंटरनेट के लिए कोई चीज़ बनानी है, पेज बनाना है, तो वहाँ पे भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये इसलिए आ रहा है दोस्तों बार बार, क्योंकि यहाँ पर हमके चाहिए सिक्योरिटी, स्पीड, और सिक्योरिटी, स्पीड, इंक्रिप्शन, ये सारी फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसलिए ये एक और एरिया हुआ। अगला एरिया है AI। AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। AI बेस्ड सिस्टम जो होती है दोस्तों, वहाँ पर हम लोगों को कंप्यूटर बेस्ड डिसीजन लेना होता है। जैसे कि आपको अगर कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है कहीं डिसीजन लेने के लिए, कोई एक आधा गेम है, हम लोग अगेंस्ट टू कंप्यूटर खेल रहे हो, तो ये हो गया आपका AI बेस्ड सिस्टम। दूसरा एग्जांपल कि आपने कहीं तो भी कैमरा लगा कर रखा है, CCTV कैमरा है, और उसमें जो फेस डिटेक्ट हुआ, वो अगर आपको कंप्यूटर बेस्ड पहचानना है कि ये वो कौन है। फेसबुक पे भी आपने देखा होगा कि बहुत से फेस ग्रुप में ऐसे होते हैं जिनके ऊपर रेड रेक्टेंगल बार आ जाता है। तो ये सारे हो गए AI बेस्ड एरिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। यहाँ पर भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, लाइक पाइथन। पाइथन का बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता है यहाँ पर, ठीक है, AI बेस्ड। तो इस स्लाइड में हमने देखा सिमुलेशन एंड मॉडलिंग, हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया, अगेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। कुछ और भी एरिया हैं दोस्तों जहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जैसे न्यूरल नेटवर्क है या ऑफिस ऑटोमेशन, ठीक है। तो हमें कोई भी चार या पांच याद रखना है एरिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। लास्ट हम लोग आ गए दोस्तों समरी। आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ उप्स, फिर हमने देखी अलग अलग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे जावा है, स्काला है, PHP है, C++ है, और लास्ट फिर आखिरी का पॉइंट हम लोगों का था अप्लीकेशन एरिया ऑफ उप्स। हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का या प्रोग्रामिंग का कहाँ इस्तेमाल करेंगे? तो सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर के लिए करेंगे, हम लोग इसका इस्तेमाल AI के लिए कर सकते हैं, डाटाबेस के लिए कर सकते हैं, सिमुलेशन एंड मॉडलिंग के लिए हम लोग उप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन दीज आर द अप्लीकेशन एरिया। आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपको आपके एक नोट्स में लिख कर रखना है, सबसे पहला क्वेश्चन है लिस्ट द नेम एनी फोर ऑफ उप्स बेस लैंग्वेज। चार यहाँ पे लैंग्वेजेस के नाम लिखना है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को सपोर्ट करती हैं। इस वीडियो में हमने शुरू में ही बताया। फिर हमको यहाँ बताना है लिस्ट एनी फोर अप्लीकेशन एरिया, यहाँ पर अप्लीकेशन एरिया हमको बताना है ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसा सिमुलेशन एंड मॉडलिंग, AI एंड सो ऑन। तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, हाउ उप सुटेबल फॉर AI। जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको शुरुआत में दिया है वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है, ताकि आप लोग बता सको किस तरह से AI बेस्ड सिस्टम डेवलप करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाइक पाइथन इज सुटेबल। ओके दोस्तों, अगर कोई डाउट रहा तो आप पूछ सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे ऐड करूँगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कॉल कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड बाय। आज का वीडियो हम लोग यहीं रोकेंगे।